जरा मैं आपको सीरत की झलकियां दिखाना चाहता हूं। हम ना शुक्री करते, अल्लाह हमसे औलाद छीन ले, नेमतों को छीन लेना शुक्रे बन जाते। जरा सी समाजी परेशानियां आई, ना शुक्रे बन जाते। जरा सी मुआशी तंगी आई, हम ना शुक्रे बन जाते। सीरत का मुताला कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि बाप का साया उठा लिया गया, 6 बरस के हैं, माँ का साया उठा लिया गया, 8 बरस के हैं, मुशफिक दादा उठा लिया गया। आपकी हयात तय्यिमा में आपके बेटों ने इंतकाल किया, आपकी बेटियों ने इंतकाल किया, आपके हयात तय्यिबा में सय्यदा खतीजा ने इंतकाल किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी हयात तय्यिमा में आपने अपने बेटे इब्राहिम को उठाया हुआ, आंखों से आंसू जारी हैं, लोग सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी रोते हैं, आप जवाब देते हैं, लोगों जिस तरह तुम्हारे सीनों के अंदर दिल है, इसी तरह मेरे सीने के अंदर भी दिल है, जिस तरह तुम्हारे दिलों के अंदर बेटों के लिए मोहब्बत मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह मेरे दिल के अंदर भी अपने बेटे के लिए मोहब्बत मौजूद है। जैसे तुम अपनी औलाद की जुदाई पर गमगीन हो जाते हो, यूं मेरे दिल के ऊपर भी चोट पहुंची है, लेकिन सुनो, बेटे की जुदाई का गम जरूर है, बेटे के इंतकाल का दुख जरूर है, लेकिन मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जुबान से वही कलिमात निकालूंगा जिसका मेरे अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया है। अमवात के हवाले से देखा जाए कम गम है। बदर से फारिग होके मदीना ही तैबा में पहुंचे, इत्तला मिलती है आपकी बेटी रुकैया आपको दागे फिराक दे चुकी है, दुनिया से जा चुकी है। हजरात मोहतरम, मुआशी तंगियों की बात की जाए, जब रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इंतकाल हुआ, आपकी जीरा एक यहूदी के पास गिरवी थी, जिसको रख के आपने दाने रख के खरीदे हुए थे। मेरी आपकी और जमी कायनात के ईमान वालों की अम्मी जान सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, हमारे घर के दरवाजे पर सही बुखारी में मौजूद है, किसी ने दस्तक दी, मैंने दरवाजे को खेला, एक खातून मुझको दिखाई दी, उसने कहा मैं साइला हूं, घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझको दे दो। दो बेटियां उसके साथ थी। अम्मी जान बयान करती हैं कि उस रोज मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में खाने के लिए सिवाय एक खजूर के कुछ भी नहीं था। बीमारियों की बात की जाए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि बुखार की शिद्दत की वजह से आपने अपने पेशानी मुबारक के ऊपर कपड़े की रस्सी को बांधा हुआ है। मैंने जब आपके माथा मुबारक पर हाथ रखा, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, इतना शदीद बुखार था कि वो कपड़ा भी गर्म हो चुका था। मैंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी बीमारी, इतना बुखार? आपने कहा अब्दुल्ला, मुझे जब बुखार होता है 2 आदमियों के बराबर बुखार होता है। यह हालात आपने देख लिए। अमवात के एतिबार से, मुआशी तंगियों के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, अब सही बुखारी की वो हदीस भी सुन लीजिए। अम्मी जान बयान करती है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तंगियों का यह आलम था, फाकों का यह आलम था, गुर्बत का यह आलम था, दुखों का यह आलम था। मैंने देखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने अपने नाक माथे को जमीन पर रखे हुए, अपने सर को अल्लाह के सामने झुकाए हुए, अल्लाह के सामने गिरिया जारी कर रहे हैं। मैंने देखा कि आप रो रहे थे और रोने की वजह से आपके पेट से यूं आवाज आ रही थी जैसे हंडिया के उबलने की आवाज आती है। इस हालत के अंदर आप क्या इरशाद फरमा रहे थे? आप कह रहे थे, ऐ अल्लाह मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूं जो नेमतें तूने मेरे ऊपर कर रखी है। और साची यह है कि हम तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। अल्लाह, किन हालात में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी सीरत क्या है? शुक्रगुजार नबी के ना शुक्री उम्मत हैं हम।